ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2014 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर है, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती, उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है ही निराकार। उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? यह तो तुम जानते हो, कैसे नंबरवार मनाते आते हैं, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े, बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की ही महिमा है। यह राज जरा पैंचीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था, और किसको होता नहीं? भारत को ही सचखंड कहा जाता है, और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो यह बातें समझानी पड़ती हैं, फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है। कोई झट समझ जाते हैं। यह योग और एजुकेशन यानी पढ़ाई दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं,
जिनको यह नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे, पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नरसिंह नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नरसिंह नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है यह अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी। नहीं, वह तो है बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पाट बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। यह तो जरूर है नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखाने लिए। बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब हैं जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं हम पुकारते रहते हैं बाबा, आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुदावे तब तो रास्ता बतावे। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। यह बड़ी सिंपल बातें हैं
नोट करना है। बाबा ने आज यह समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए। वह तो सदैव सुख ही सुख है। वह पांच विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराय राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धी। नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि में है बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है, भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है, भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है, लाखों वर्ष कहना यह तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही ना सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहां कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना। यह अनादि बना बनाया खेल है। यह है बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरी आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता, जरूर वह पास्ट हो गया। उसमें इनका राज्य था, त्रेता में राम राज्य था। पीछे फिर और धर्म आए हैं, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन। सब धर्मों का पूरा मालूम है। यह सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कलयुग है। सब हिसाब है ना।
ऐसे तो नहीं, सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है। नहीं, अच्छा फिर और कौन था? विचार किया जाता है, इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता, वह भी थे तो मनुष्य ही, परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में वह सब थे। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल ना सके। फुल, पौना, आधा, चौथा, चार हिस्सा है, कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधा में तो यह है, कहते भी हैं, सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। यह तुम सिद्ध कर बतलाते हो तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है, वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते, कोई माने भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया हो भी न सके, तो बाप बैठ समझाते हैं, वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से, कहते हैं गौ मुख। इस गौ माता से तुमको एडॉप्ट करते हैं। यह थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है, एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं, भारत में बेहद का राज्य था ना, यह लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको यह बातें स्वप्न में भी नहीं है, जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म ले, भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते कि यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता, इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, डिग्री कम होगी। गाया भी जाता है पूज्ये सो पुजारी, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे, यह कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है।
यह सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाई, लेकिन वह तो कुछ रहेगी नहीं। यह टेम्परेरी है, बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं, ऐसे समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। यह सब होल लॉट जो है विनाश होगा, तो यह सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं। फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं, कितनी चीजें बनती हैं। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं, जरूर यह बड़ा दुश्मन है। परंतु दुश्मन कैसे है यह कोई नहीं जानते। वह समझते सीता चुरा ले गए, इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में, इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए, कौन से राम की सीता चोरी हुई। राम सीता की भी राजधानी चली है क्या, एक ही राम सीता चले आए हैं क्या। यह तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता। 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया, जरूर पिछाड़ी का होगा। यह जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डिनास्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई, यह सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी यह सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियां मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं है ना, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों है। रावण की जरूर स्त्री भी होगी। मदोदरी दिखाते हैं, मदोदरी का बुत बनाकर जलाएं, ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही झूठी माया झूठी काया। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो, फर्क तो हुआ ना। वहां तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सच खंड, यह है झूठ खंड। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की
पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरा, यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। वरदान है हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। ओम।